अगर आपको चाट पूरी, फरसी पूरी, मेथी पूरी, पानी पूरी, चाट मसाला पूरी, सब्जी पूरी, बास्केट पूरी, कोई भी टाइप की अगर आप पूरी बनाना चाहते हो तो किस तरह से बना सकते हो, हम आपको ये पूरा वीडियो में बताएंगे। और किस तरह से हमारे कस्टमर बनाते हैं और किस तरह से पैकिंग करके सेल करते हैं, पूरा सिस्टम आपको आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले जो होता है ना, वो सीटर मशीन होता है जो सीट बना के देता है। ये जैक्सन का जो सीटर मशीन है, इसको एक्सट्रूडर मशीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आगे ऊपर से आटा डाल देते हैं, ऑटोमेटिक इस तरह से देख सकते हैं आप, सीट बन के रेडी हो चुकी है, वो सीट को हम मशीन में डालेंगे। और दूसरा सीटर होता है दोस्तों, रोलर सीटर, वो हम आपको बताते हैं। ये जैक्सन का रोलर सीटर है, आगे से आटा डाल देंगे, इस तरह से सीट रेडी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि दो टाइप का सीटर, एक रोलर सीटर है, एक्सट्रूडर सीटर है, दोनों टाइप के आप सीटर यूज कर सकते हो। ये सीटर के बाद सीट निकालने के बाद हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। वो क्यों डालते हैं वो भी आपको हम आगे बताने वाले हैं, सूखा आटा हमने क्यों डाला है। इस तरह सूखा आटा सीट पे डालने के बाद यहाँ पे हम मशीन के आगे रख देंगे। दोस्तों ये जो सीट है वो बना के इस तरह के आपको पूरी दे देंगी, यहाँ से सिर्फ इस तरह से डाल देना, ऑटोमेटिक ये प्रेस करेगा। दोनों हैवी रोलर दिया हुआ है जैक्सन मशीन वाले ने, इस तरह से यहाँ पे कटिंग होगा। और देखो दोस्तों, हमने सीट पे जो आटा लगाया था वो क्यों लगाया था, ताकि ये जो पूरी कट के आई है ना, एक दूसरे के ऊपर चिपकेगी नहीं। ये जो पूरी है, हम अगर आपने सूखा आटा नहीं लगाया होता तो ये चिपक जाती शायद, तो हमने सूखा आटा लगाया, अभी ये नहीं चिपकेगा। और हम ये प्लेट पे क्यों ले रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। इस तरह से हम इकट्ठा कर लेंगे प्लेट में लेके, और ये प्लेट में जो ले रहे थे वो अभी हम आपको बताते हैं। देखो इस तरह से हम कढ़ाई में जब डालते हैं ना, तब एक साथ गिरते हैं, वरना क्या होता है दोस्तों कि पहली वाली पूरी लाल हो जाती है और आखिरी वाली पूरी जो होती है वो कच्ची रहती है। इस तरह से हम प्लेट में डालेंगे ना, तो सारी की सारी जो पूरी है वो एक साथ कढ़ाई में जाएगी और एक साथ एक जैसी फिनिशिंग आएगी पूरी की। इस तरह से जो ये भाई कर रहे हैं, जो प्लेट में लेके कर रहे हैं, इस तरह से आप भी कर सकते हो। कोई लकड़ी में या तो कोई SS की ट्रे ले लो, उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से निकाल लेंगे हम, और पैकिंग कैसे होगी वो भी आप इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गया माल, इसका फिनिशिंग भी आपको दिखाएंगे। इस तरह से जारे को हिला रहे ताकि जो तेल इसमें रहा है वो पूरा निकल जाएगा। इसमें ड्रायर मशीन भी जैक्सन के पास में, पूरा तेल निकाल देगी, वो भी आपको चाहिए तो मिल जाएगी। और इसके बाद यहाँ से तेल निकालने के बाद ये ट्रे में डालेंगे, और ट्रे में से हम पैकिंग कैसे करेंगे वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो है पूरा पैकिंग एरिया है, इस तरह से पूरा माल एक्सपोर्ट होता है, इस तरह से बॉक्स में पैकिंग होता है, ताकि ये जो पूरी है वो टूटेगा नहीं। इस तरह से आप प्लास्टिक में भी पैक कर सकते हैं, जैसे बिस्किट आज की डेट में जो आ रहा है उस हिसाब से भी आप पैक करके बेच सकते हो। ये देखो ये दोस्तों चाट पूरी रेडी है, मैं हाथ में लेके दिखाता हूँ आपको। देखिए इसका फिनिशिंग दोनों साइड से एक जैसा है, वो सारी की सारी पूरी आप देख सकते हो, एक ही रंग कलर की आई और एक ही क्वालिटी की आएगी। इसमें आपको सीलिंग पैक भी करना है तो जैक्सन मशीन से आपको सीलिंग पैकिंग मशीन भी मिल जाएगी। दोस्तों और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैक्सन मशीन अहमदाबाद से नवनीत देसाई, धन्यवाद दोस्तों।